यारा भाई का गांव नीचे, गांव इधर से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट भी यहां से भी जा सकते हैं नीचे से, और कूद गए तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे ऊपर, और तारों पे लटक के भी जा सकते हैं। ओ दिल भरा, ओ भाई क्या लौंडे खतरनाक लग रहे हैं, ऑटोमेशन के लौंडे हैं, ऑटोमेशन के। ऑटोमेशन क्या है? टैलेंट का भाई, बाप भाई टैलेंट का। तो भाई हमने अपनी स्कूटी लाके वापस खड़ी कर दी और वापस आ चुके हैं हम यहीं पे मोमोज खाने के लिए। बढ़िया लगे थे कल, हमने शॉपिंग कर ली है थोड़ी सी, और हमने शॉपिंग में ली है गाड़ी, दो गाड़ियाँ, दो कार, एक बाइक और एक गन लौंडे के लिए माफिया। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, उसके बाद कुछ, और मैंने आज नॉनवेज त्याग दिया है तुम्हारे लिए बस भाई, ये तो अपना, उसके बाद निकलेंगे घर। ये व्हाट अ व्यू। तो यार कुल मिलाके बढ़िया रहा ट्रिप, जब शुरू शुरू में आते हैं ना तो लगता है और फोटो ले लो भाई, यहाँ रुक लो, यहाँ करते हैं साला, एक दिन घूमने के बाद क्या भाई, हाँ तब में तो पानी पानी है, पहाड़ी पहाड़ है, क्या करें। चलो अभी हम जा रहे हैं यहाँ भाई लौंडो, कैसा भी हो जाम, ये भाई थोड़ा सा लेट आया हमारे भाई, क्या व्यू आ रहा भाई सचिन भाई, झमाझम ये देखो भाई व्यू, बाल रोड लेक व्यू, चिली गार्लिक नान, दाल मखनी, दम आलू, राइट, ऑनियन, मौसम, मौका तो मौका तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मर्चेंट अकाउंट नहीं है क्या ये? मुझे नहीं पता भाई, तो शाम के 4 बज गए और वापस हम, आज तीसरा दिन था, आज बैक टू फिर दिल्ली, कल से फिर हम सबका ऑफिस है, सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना हमें, 12 बजे तक तो कर ही देंगे, एक प्रोजेक्ट लाइव करना है, बाकी प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है, मैं लीड डेवलपर, ये भी लीड, वो भी लीड, सब लीड, ठीक है, प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है, हम चारों यहाँ घूम रहे हैं, हम लाइव हो चुके हैं। चलिए जय हिंद। बारिश तेज होती हुई, बारिश को चीरते हुए एकदम तूफानी स्पीड से, हाँ क्योंकि हमारे यहाँ दो गाड़ियाँ चल रही हैं जिनकी वजह से हम आगे चल पा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जबरदस्त बारिश हो रही है, जमा जम वाली देख रहा हो आपको, या हर आधे घंटे पे मौसम चेंज हो रहा है, कहीं फॉग है तो कहीं नीचे पानी दिखा, पानी, ये नीचे झरना भी दिख रहा होगा, और ड्राइवर की हमारे थोड़ा भी कान खुल नहीं रहे हैं, पटके जा रहे हैं, इनके कान में जो है बबल बने हुए हैं, नहीं कान में। तो भाई आगे दिखाओ थोड़ा सा, इसी तरह से हम पहाड़ियों के नीचे आ चुके हैं और यहाँ हम जंगलों के बीच से निकलते हुए, क्या ही प्यारा व्यू है, चेक इट आउट, क्रॉस करते
से आता है लास्ट वाला हाथियों घोड़े पे लटक के जाता हूँ। आप कुछ बोलना चाहोगे मिस्टर? अभी जा रहे हैं चार हाथी घोड़े थोड़ी देर बाद जाएंगे। हेलो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं एक और नए हाईवे पे, एक नए सफर की ओर। बोलते हैं ना कि मंजिल से अच्छा सफर होता है। खूबसूरत भाई बजा दे गाना। मैं नेट नहीं चलता यार। क्या होगा मैं तो बंद कर रहा हूं हाथ में लेके फोन, उस पे डालो ना। अब नेट ही नहीं चल रहा। फ्लाइट मोड में डाल के बोला ना हो गया। फ्लाइट मोड में डाल तो काट दूंगा तेरे वाला। तेरे वाले बुलाओ बीप 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 क्या कर रहा है ये वीडियो जरूर डालना इसके रजनीगंधा खाने की। बन चुका वीडियो पूरा। तू भी ले, तू ले ना ले पूरे रस्ते। तो गाइस हम आ चुके हैं दालचीनी ढाबा पे। आज हमने पहला चाय ब्रेक लिया है, यहाँ चाय रिफ्रेशन अप का ब्रेक। ये रही हमारी गाड़ी और ये रहे हमारे लौंडे रेस्टोरेंट में एंट्री करके चेकआउट मारते हुए। कौन क्या करता है, कौन क्या कर रहा है। जब बात कर रहा था मैं ये बात कर गया थोड़ी बहुत देर बाद। किस इंसान के फेवरेट गाने चलते हो आप और इसके भी। ये हमारे शेर थके चूर होते हुए, एक शेर दूसरे शेर ने दो पराठे मंगाए, एक पनीर पराठा एक आलू पराठा। चाय एक ने मंगाई है चाय और मैंने मंगाया है क्या मंगाया मैंने कढ़ी चावल। देखते हैं किसका क्या होता है। इन्होंने कुछ नहीं मंगाया, बोले जो आएगा मैं सब खा लूँगा। थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सबका ले लेंगे। ये यहाँ पे शेर अभी जिसमें थोड़ी देर पहले खाना खा के आए थे अपना पेट भर गया भाई। स्पेशल कॉफी भाई की, स्पेशल हो जा एक भाई की, एक भाई की। और ये हमने नहीं, इन लौंडों ने खाया है इन्होंने। ये वहां तक यहां यहां से स्टार्ट है। भूखे शेर ने तब बोले, भूखे शेर ने अभी खा के आए थे, रास्ते में 2 घंटे नहीं हुए ने। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आप देख सकते हो हमने फिर से एक और ब्रेक लिया और लौंडों को लगी फिर से भूख। इस पूरी ट्रिप पे हमने बस खाया ही है। तो यहाँ रुक के देखते हैं भी क्या खाने का मिलता है, क्या सबसे अच्छा होता है। और ये देखिए 3 लौंडे तीनों लाइन से खड़े हैं ये। और अब हमें दिल्ली से 126 किलोमीटर दूर 3 घंटे का रास्ता बचा हुआ और हमारे प्रो राइडर थोड़े से थक से गए। डलाइवल डलाइवल और ये अब क्या बोलना है। सब तो बोल चुका। हाँ, 3 चाय, एक मेरी चाय, एक भाई की चाय और एक इस भाई की चाय और इस भाई की मीठी लस्सी। भाई को मीठे लोग बहुत पसंद है। भाई को दही भी पसंद है। दही से याद आया, एक हमारा मैनेजर है उसे दही बहुत पसंद है। कभी 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 अपने ब्लॉग में मुलाकात करवाएंगे हम उस मैनेजर से। ड्राइवर साहब को थोड़ी दिक्कत हो गई है, उनके कमर में मोच आ गई है। बगल एक मोच वाला लेटा हुआ है जिसको थोड़ी भी थकान नहीं है। क्या भाई तुम्हें भी थकान है क्या? नहीं भी थकान है नहीं। तुम क्या लेट गए? तुम क्या लेट गए? भाई का पैर दबा रहा हूँ, किसी पैर से तो क्लच दबाना है। पैर दबा रहे हो? हाँ। भाई की तीसरी टांग। तो ऊपर हाथ तुम्हारे क्यों जा रहा है भाई? तीसरी टांग की बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा अच्छा, भाई का क्लच दबा रहा है। ये भाई का क्लच दबा रहा है। फुल स्पीड में चलेगी फिर उसके बाद। फिर जो मन कर रहा वही ले लो। आज आके देखना पड़ेगा तो। भाई कुछ तो बोल। और हमारी 2 चाय और 1 चाय भाई के पास भाई की और 1 भाई की मीठी लस्सी। भाई को मीठी चीज़ें बहुत पसंद है। हमारे ऑफिस में एक लड़का भी है, भाई को बहुत पसंद है। लड़के का नाम भी बता दो। लड़का भी ब्लॉग देखे रहने थे भाई, वो तो समझ जाएगा ब्लॉग अगर देखेगा तो। नाम मत ले और ना समझे ना। तो फिर हम नाम नहीं ले सकते उस लड़के का, वो लड़का खुद समझ जाएगा किसकी बात हो रही है। ठीक है, ये देखिए हमने
खाने के लिए नई चीज मिली, हमारा पूरा टाइम खाना चल रहा है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा है, ब्रो दिख रहा है। और मेरे पास पूरी डब्बी रखी थी, तो बस हम खाने के लिए ट्रिप पर आए थे। और ये ट्रिप अब अपने एंडिंग की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे हम घर के नजदीक जाने में 80 किलोमीटर और। इतनी देर से शेरों को भूख लग रही थी, अब शेरों के रथ को भूख लग रही है। तो अब हम हमारी गाड़ी को कुछ खाना खिलाने लेके जा रहे हैं, पहली बार, दूसरी बार। एक स्टार्टिंग में कराया था और एक अब करवा रहे हैं ताकि हमारे घर तक पहुंच पाए। सो गाइस, हम लोग दिल्ली आ चुके हैं, मुश्किल से अब 10 किलोमीटर बचे होंगे, कुछ देर में सब अपने अपने घर होंगे। 3 दिनों का ट्रिप फाइनली खत्म होने वाला है, बिल अच्छा खासा बना है आई गेस, पर ठीक है, चुका देंगे धीरे धीरे। अमीर लोग हैं हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये हमारा पहला ट्रिप था, थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि भाई की बीवी बाल बच्चे कुछ ही दिन को बाहर गए थे। बट अगली बार हम प्लान करेंगे कुछ लंबा और कुछ महंगा। लंबा देने गए, कुछ नैनीताल ट्रिप एंड होता हुआ, सब अपने अपने घर। कल से फिर से मजदूरी पे जाएंगे सुबह 10 बजे, रात को 8 बजे घर। सैटरडे का वेट कुछ नहीं होगा, फिर सैटरडे। बट हम प्लान करेंगे जल्दी। अगर कुछ गिने चुने लोग 10-50 जितने भी देखना, भाई को कहना अपनी बीवी से थोड़ी सी मोहलत निकाले कि हम आगे घूमने जाएं। और बाकी बाय बोल दो भाई। बाय बाय, पीस बोल भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हां ठीक है, देखना कर लेना, नहीं करो तो कोई बात नहीं। हमारा क्या, ये हमारा धंधा है भी नहीं, हमारे पैसे कहीं और से आ रहे हैं। अगर इससे आएंगे तो बोलेंगे हम, इसलिए पहले फैला दे उसको। तब तक के लिए राम राम, सब्बा खैर, दुआओं में याद रखना।